जल्दी से राम राम बोलो और लगा दो। वेलकम बैक टू अवर चैनल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज से हमारे घर पर अखंड रामायण जी बैठ रही हैं, तो स्थापना हो रही है ऊपर और यहाँ हम लोग रेडी हो रहे थे। दीदी भी यहाँ पे अभी रेडी हो रही हैं और छोटी वाली दीदी हैं वो तो रेडी होके जल्दी फटाफट ऊपर चली गई और ज़ोमी भी बहुत देर से रेडी होकर उठ रही। चलो ज़ोमी अपन ऊपर चलते हैं, देखते हैं पूजा। हम तो अभी तक एक बार भी नहीं देख के आए। आ नीचे उतरो। अच्छा दीदी, वहाँ पर आप चलिए, हम बड़ी दीदी के साथ जाएंगे। चलो ना आप हमारे साथ। ठीक है चलो। पूजा तो ऊपर चल रही है और मैं यहाँ नीचे आ गई हूँ क्योंकि नीचे कोई भी नहीं है, तो यहाँ कोई ना हम कोई दोनों तो है ना। हाँ अभी तो हम दोनों हैं, बट कोई ना कोई तो होना चाहिए। वैसे हम लोगों को ऊपर जाना था। गणेश पूजा की स्थापना होने के बाद पंडित जी ने 24 घंटे की जो अखंड रामायण जी होने वाली थी वही पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर ध्रुव जो है वो देख रहा था कि माइक का जो सेटअप है वो अच्छे से सेट करवा दे, ताकि हम लोगों को तो रामायण जी का पाठ जो है सुनाई दे ही, आसपास के लोगों को भी अच्छे से सुनाई दे। चाय किसके लिए? पंडित जी के लिए। दीदी के लिए। सब लोग अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी चाय तो बनती है ना। हाँ। थोड़ी खातिरदारी तो बनती है। हाँ। यहाँ पर दीदी कपड़े फोल्ड करके रख रही है। हाँ। और ज़ोमी आइसक्रीम खा रही है ना। और यहाँ पर मैं धनिया तोड़ रही हूँ और मम्मी खड़े होके चाय क्यों पी रही हो, बैठ के पी लो। क्योंकि मम्मी ऑलरेडी पूजा में बहुत सारा बैठ के आई है ना, इसीलिए पंडित जी आए ना वो अपना खाना खुद ही बनाएंगे, इसीलिए उसके लिए मैं सारा सामान लेके जा रही हूँ यहाँ से। और अभी मुझे ढूंढना है पत्तल, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पत्तल भी ले लिए और ये सारा सामान ले लिया है। तो अभी मैं चलती हूँ छत पे और दिखाती हूँ आपको। सुबह से पंडित जी आए हुए थे और अभी शाम हो गई थी, तो सुबह से तो पंडित जी ने कुछ भी नहीं खाया था और फलहारी किया था बस, और शाम के टाइम में वो अपना खाना स्वयं ही बनाने वाले हैं। तो खाना बनाने का सारा सामान मैंने पंडित जी को दे दिया है, मैं चलती हूँ नीचे। यहाँ नीचे आकर मैंने देखा तो हमारे यहाँ पर एक और पीयूष पंडित जी रेडी हो रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। रेडी हो नहीं रहे हैं, हो गए हैं। हाँ ये देखिए रेडी हो गए हैं बढ़िया। और कहाँ जा रहा है अब तू? रामायण जी पढ़ने। चल ठीक है, पढ़ना मैं भी सुनूंगी अच्छे से। वैसे तो सुन ही रही हूँ दिन भर से, पर तू पढ़ेगा तब भी सुनूंगी जरूर स्पेशली। हमारा पीयूष जा रहा है रामायण जी पढ़ने के लिए। शाम का समय था और हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी, और यहाँ पर हम ये जो ईंट हैं वो इसीलिए रख रहे हैं। वैसे तो हम नीचे भी आग लगा सकते थे, बट जो छत है ना वो काली हो जाती, तो इसीलिए हमने पंडित जी ने बोला, ये आइडिया एक्चुअली में पंडित जी ने ही दिया था कि अगर हम इस तरीके से ईंट रख के उसके ऊपर आग जलाएंगे तो छत भी काली नहीं होगी, काम भी हो जाएगा। और पंडित जी से हमने बोला था कि आप गैस पर बना लीजिए, बट उन्होंने कहा कि हम लोगों को इसी की अच्छी लगती है, मतलब आग में जो बाटी बनती है ना वही, तो दाल बाटी जो है पंडित जी बनाने वाले हैं अभी, तो उसके लिए आग की जो व्यवस्था है वो हमने सोचा कि हम कर देते हैं, थोड़ी सी पंडित जी की हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आग वगैरह है वो हम ही जलाने वाले हैं, तो हमने कंडे वगैरह निकाल लिए हैं। और दीदी को तो दीदी बोल रही थी कि मुझे तो ये सब कुछ आता नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है दीदी मुझे आता है, मैं अच्छे से करवा दूंगी। और पहले मैं ही कर रही थी, फिर दीदी ने कहा मैं भी हेल्प कर देती हूँ। और पंडित जी हमें बता रहे थे कि किस तरीके से आप लोग लगाओगे तो सही रहेगा, कितनी आग लगानी है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि कितनी आग में कितनी बाटी सिक जाएंगी। तो बस वही, तो पंडित जी हमें यही बता रहे थे अभी। और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा आग जलाना मुश्किल हो गया था हमारे लिए, बहुत मुश्किल से हमने आग जलाई थी, बट बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन, इतना ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा। बुढ़िया आता है तुम्हें? हाँ मुझे लगाओ तो फिर। मैंने नानी के घर किया है ना ये काम इसीलिए। अच्छा चलो तो करो फिर, हमने तो नहीं किया। देखो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। सिखा दो, देखना सौम्या और भव्या को पीछे। उसमें अपन कुछ काम होता होगा।
हाँ पूरी तुमने पूरी लगाई थी, हम तो पंडित जी से बात करने लगे इतनी देर में, तो तुमने पूरा काम ही कर दिया। अभी पहले आग तो जलाओ फिर तो लगाना जाएगी वो यहाँ से, फिर वो लगती नहीं है। गुड़िया यहाँ पर पंडित जी को खाना बनवाने में मदद कर रही है। गुड़िया हमें क्या पता, नहीं बूंदे नहीं आ रही अभी, बन गई। हाँ लगा गुड़िया जल्दी से, बहुत तेज करती हूँ, हवा तो बहुत ज्यादा तेज है, मुझे नहीं लग रहा कि चलेगी। जल्दी से राम राम बोलो और लगा दो, बाकी सब राम जी देख लेंगे। ठीक है लो, फर्स्ट तो फ्लॉप हुआ। नहीं आगे तो जलवा सकते हैं ना, बाटी तो अपन को ही सेकना पड़ेगी। गुड़ी तुम नहीं कर पाओगी, हमको नहीं, दो। नहीं मैं कर लूंगी, नहीं हम करेंगे अब, नहीं मैं कर लूंगी। अभी मैंने यहाँ से जगह बना ली है, अभी रुक, मैं भी यहाँ पर ऐसे हवा को रोकने की कोशिश करती हूँ। हाँ नो जलने के बाद भी बुझ रही है गुड़िया, अब तुम पकड़ो हम करते हैं बस लास्ट, और एक बार और चल, लास्ट चांस और गुड़िया के लिए। लोगों थोड़ी हवा थोड़ी सी शांत होने दो। हाँ हवा थोड़ी सी शांत हो जाओ, पवन देव से प्रार्थना करो। हाँ, पवन देव थोड़ी सी हवा थोड़ी सी कम कर दीजिए, बस मेरी जल जाएगी, प्लीज प्लीज जल जाना। लो लास्ट चांस, अब दीदी करेंगे। हाँ दीदी आ गई है अब मैदान में, जली दीदी अभी तो हम फर्स्ट चांस ही है अभी हमारा, हम पहले ही पूरे फुल तैयारी के साथ उतर रहे हैं मैदान में। कमोन दीदी कमोन 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 कमोन, फर्स्ट बार में ही हो गया हमारा प्लान सक्सेसफुल। चलो देखो एक बार, नहीं नहीं पता है, मैं इस साइड से चला रही थी, इस साइड से चलाती हूँ, थोड़ा दिमाग यूज करो, थोड़ा हमसे ले लो कम है तो। देख के नहीं तो तुम्हारे बाल जल जाएं। अरे नहीं नहीं इतना भी नहीं हो रहा यार, अब तुम करो ये सारा काम लगाने का। हाँ ठीक है, बस एक ही बार लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा बस एक बार जल जाए, स्टार्ट हो जाए, फिर तो हो जाएगा आराम से काम। अभी फटाफट देखना कितने जल्दी हो जाते हैं। क्या ठीक है ठीक है, इसको ऐसे करके पकड़ लेते हैं दीदी अपन, है ना। हाँ और देख लो गुड़िया कितनी तेज से जल रही है, पकड़ लो गुड़िया, देखना गुड़िया मुझे तो डर ही लग रहा है। वो तो सभी जगह चल रही है फ्रेंड्स, हमारी आग भी बस होने ही वाली है, थोड़े सा टाइम और लगेगा और हो जाएगी। पर हम लोग हवा को बचा के रखे हुए हैं कि हमारी आग में जाके ना लगे, और यहाँ पर सब लोग आ गए हैं, मामा वगैरह। मामा हमारा सिस्टम अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। पंडित जी के लिए यहाँ पर खाना बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पर दाल बाटी बन रही है पंडित जी के लिए ना। हाँ तो हम लोग यहाँ पर हवा को रोक के रखे हुए हैं ताकि हवा नहीं जाए। पंडित जी बोल रहे हैं सभी का निमंत्रण है, सबसे बोल दो। हाँ ठीक है मामा, तो पंडित जी आपने सभी के लिए बना लिया क्या? हाँ सबके लिए बना लिया पंडित जी ने। कह दो कोई नहीं आ रहा। हाँ बोल तो दो कम से कम। जो पंडित जी हमारे यहाँ पाठ करने के लिए आए थे ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मतलब बहुत ज़्यादा मजाक करने टाइप से, तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और यहाँ हम लोगों ने सोचा कि पंडित जी की हेल्प करवा देते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को ये सब चीज़ें करके। और यहाँ पर जो आग है ना, उसमें से बहुत ज़्यादा आँच आ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, तो पंडित जी भी बहुत दूर से कर रहे थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ी सी आग ठंडी हो जाएगी, उसके बाद बाटी उस पर डाल देंगे, और हम लोग उनकी बाटी बनवाने में हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खाना स्वयं ही बनाएंगे, किसी और के हाथ का नहीं खाते हैं ना, इसीलिए। यहाँ पर मौसा जी आ गए हैं थोड़ी सी हेल्प करने के लिए। सुबह से तो कोई भी मेहमान नहीं आए थे, लेकिन शाम तक बहुत सारे मेहमान आने लगे थे, और यहाँ पीयूष हमारा रामायण जी पढ़ रहा था।
यहाँ पर मौसी भी आ गई हैं। तो भाई ये बताइए आपको रामायण जी पढ़ के कैसा लगा, अब कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा लगा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस के साथ। आप लोग को भी पढ़ना चाहिए, अच्छा होता है, बढ़िया माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छा, मतलब अंदर से फीलिंग कैसी आती है? फीलिंग कैसी आती है, पढ़ के देखो ना। पढ़ के देखो तो यही खुद ही पता चल जाए। यही तो पूछ रहे हैं आप, थोड़ा अपना वो बताइए कि आपका एक्सपीरियंस, आपको कैसी फीलिंग आ रही है, फिर आपको भी लगेगा हाँ पढ़ना चाहिए। हाँ नहीं, वैसे भगवद गीता तो मैंने पढ़ी है, वो बहुत अच्छा लगता है दीदी। जब से मैंने पढ़ी है ना, एक दो बारी पढ़ी है मैंने, बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा मुझे पढ़ के। तो रामायण की तो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ी। बहुत अच्छी फीलिंग आती है एक बार पढ़ के देखना। हाँ एक बार। हाँ और यहाँ पंडित जी की बाटी बस बनने ही वाली है। हमारी नानी जी आ गई है। नानी कितनी सारी याद आ रही थी आपकी मुझे, सच्ची में बहुत याद आ रही थी। याद आ, अच्छा हम आ गए ना। हाँ है अच्छा रिया ना। हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर बाकी सब भी आ गए हैं, जैसे कि मामी, भाभी और भी बाकी कुछ कुछ लोग हैं जो ऊपर चले गए हैं देखने के लिए। और बाकी यहाँ पर मौसी हैं, ये हमारी सबसे बड़ी वाली मौसी है और ये हमारी सबसे छोटी वाली मौसी है। इनसे तो अभी तक कभी भी नहीं मिले हैं, तो ये सबसे छोटी वाली मौसी है। सभी मौसी आ गई हैं, सब लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर सब लोग पंडित जी जो हैं खाना खाने लगे हैं और यहाँ पापा साथ में बैठे हुए हैं खाने के लिए। तो इतने देर से पीयूष पढ़ रहा था रामायण जी और अब भाभी पढ़ने के लिए जा रही हैं। तो चलो भाभी चलते, ये इनका बेटा है, चलो। तो रामायण जी का जो पाठ होता है ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं, सिर्फ पंडित जी ही पढ़ सकते हैं या नॉर्मल लड़के नहीं पढ़ सकते हैं। सभी लोग पढ़ सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जो अपनी खुशी से पढ़ना चाहता है वो सब लोग पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे, मतलब कोई चीज़ अपन ऐसे कुछ पढ़ो तो बहुत ज़्यादा अंदर से जो फीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, मतलब उससे एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर भाभी आ गई थी कि वो पढ़ेंगी, उन्हें अच्छा लगता है रामायण जी पढ़ना, तो भाभी फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और भाभी के बाद फिर पंडित जी ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि सभी का खाना होने लगा था। जो रामायण जी रोज़ पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, बट अगर जिसने अभी तक भी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ 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 ज़रूर पढ़ना, क्योंकि रामायण जी पढ़ के या फिर भगवत गीता पढ़ के जो खुशी मिलती है ना अंदर से, वो तो कुछ अलग ही होती है, मतलब उसे एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है। तो प्लीज़ जो भी कोई नहीं पढ़ता है ना, तो प्लीज़ पढ़ा करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अंदर से। यहाँ भी चल रहा है सभी का खाना। फिर इसके बाद रात तो हो ही गई थी और यहाँ सभी का खाना होने लगा था। और खाना पीना होने के बाद फिर यहाँ पर सभी लोग जो थे खा पी कर ऊपर आ गए थे, अच्छे से बढ़िया से मंजीरा ढोलक वोलक बजा के रामायण जी का जो पाठ है अच्छे से करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब माहौल बन जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पर फिर इस तरीके से पाठ हो रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। पंडित जी यहाँ पढ़ रहे थे और सभी लोग आनंद ले रहे थे। सभी लोगों को खाना पीना हो गया, अब इस बार हम लोग भी खाना खा लेते हैं। ये रहा हमारा खाना जितना की थाली का। और यहाँ पर मौसी बैठी हुई है, बाकी यहाँ पर दीदी परोस रही है। आओ ना दीदी। आ रही हूँ मैं, जल्दी आ जाओ। जितना की थाली। हाँ सबकी लगा ली है। खाना पीना तो हमारा हो चुका है और हमने सोचा कि सब में जूठन फैला है, हमने सोचा कि पोछा लगा देते हैं। और बाहर जाके देखो दीदी अपने टेंट वगैरह जो है ना वो सारे लगने लगे हैं, मैंने तो अभी नहीं देखा है, चलिए तो बाहर चलते हैं। बाहर यहाँ पर टेंट लगने लगा था और ये भैया टेंट लगा रहे थे, ये तैयारी सुबह के लिए चल रही थी। और यहाँ हमने कुछ गद्दे मंगवा लिए हैं सभी मेहमानों के लिए, तो ये गद्दे सारे छत पर जाएंगे और छत पर ही जो है सभी का बिस्तर होगा, वहीं पर सब लोग सोएंगे। और ये कुछ सामान आ गया था खाना बनाने का सुबह के लिए, तो आज सभी लोग छत पर सोने वाले हैं और सभी का बिस्तर हो भी गया है और यहाँ तो कुछ लोग सो भी चुके हैं। देखिए कुछ बिस्तर यहाँ पर लगे हुए हैं और कर रही हूँ यहाँ सबको पानी पीने की व्यवस्था। तो ये देखिए यहाँ पर गुंड रखी हुई है, तो अभी मोटर मम्मी ने चलाई हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये सारी दोनों चीजें है ना अच्छे से साफ करके और अच्छे से ठंडा पानी भर देती हूँ ताकि रात को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पर मैंने ये पानी भर के रख दिया है ताकि रात को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ ध्रुव पंखे की व्यवस्था कर रहा है क्योंकि अगर नॉर्मल हवा नेचुरल हवा ना भी चले तो पंखे से हवा आ जाए ताकि किसी को भी गर्मी ना लगे। तो एक जो पंखा है वहाँ से इस साइड वाले लोग जो सोएंगे उनको हवा आ जाएगी और एक और पंखा है उससे यहाँ पर हवा आ जाएगी।
यहाँ पर ये माला क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि डेकोरेशन करेंगे। माला से तो इतनी रात को क्यों बना रहा है? अपन सुबह बना लेते ना। सुबह कब बनाओगी? सुबह पंडित जी ने बोल दिया सुबह 4 बजे उठ जाना। और 4 बजे चार बजे उठ के नहा के सब लोग रेडी होके 7 बजे आ जाना पूजा करने के। अच्छा है, मैंने तो अपना पिलो ले लिया है। मैं तो जा रही हूँ छत पे सोऊंगी। सब लोग छत पे वैसे भी सो चुके हैं दीदी, चलो तुम भी सो जाना जाके। पर ये काम कौन करेगा अगर सब चले जाएंगे? हाँ वो भी सही है। अच्छा एक काम करो, तुम सब लोग काम करो, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। चलो पापा अपन चलते हैं, इनको काम करने देते हैं। पापा थोड़े ना जाएंगे छत पर। अरे पापा हाँ छत पर नहीं जाएंगे, क्योंकि छत पे सब लेडीज लेडीज डिपार्टमेंट है ना इसीलिए। और यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं तो मैं तो जा रही हूँ। बाय 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 बाय। गुड नाइट गुड़िया। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। कितने बजे? 4 बजे देख रहे हैं तुम? 4 बजे तुम सुबह 4 बजे मिलना, हम तो सो ही नहीं रहे हैं। नहीं सोना ठीक है, मस्त हो आराम से 2-3 रातें जगो, फिर आराम से घंटी सो जाना। ठीक है तुम जाओगी फिर? अरे तो जो भी है मैम तो जा रहा है बस, हम बाकी और कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं। हमने हमारा पिलो ले लिया है, चलते हैं अभी सोते हैं बढ़िया मस्त। वैसे भी सुबह जल्दी उठना है तो। और यहाँ पर रुख चाय लेके घूम रहा है सबके लिए, सबको रात को एक बार लास्ट टाइम चाय पिला देता है। हाँ ताकि, और पंडित जी को भी दिया है ना, नींद नींद नहीं आए ताकि, क्योंकि पंडित जी को सबको हाँ, क्योंकि रात में पंडित जी को तो रामायण जी। और अब हम बनाने जा रहे हैं माला। माला तो नीचे बन रही है, ये वो भगवान के लिए है। अच्छा अच्छा स्पेशल माला है ये, स्पेशल फूल है। और यहाँ पर भी कुछ लोग सो गए हैं। चलो चलो मैं तो चलती हूँ।